मुस्लिम लीग नून का पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक मरकजी सदर मिनॉरिटी विंग सेनेटर कामरान माइकल समेत दीगर मरकजी कायदीन ने शिरकत की। सेनेटर कामरान माइकल ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों से मिलकर भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मिनॉरिटी विंग हरावल दस्ता किरदार अदा करेगा और हर हल्के से उम्मीदवार को भरपूर तरीके से कामयाब करवाएंगे। मसीही स्कॉलर और मौलमा पादरी गजाला शफीक कंवल ने आसिफ लाजर खोखर के लिए अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तआवुन की दरख्वास्त कर दी है। वाज़ेह रहे कि आसिफ लाजर खोखर यूनियन कौंसिल भटाईयाबाद से बल्दियाती इलेक्शन में बतौर चेयरमैन उम्मीदवार सामने आए हैं। आसिफ लाजर खोखर को समाजी सियासी और मजहबी हल्कों में भरपूर सराहा जा रहा है। हल्का के नौजवानों का कहना है कि आसिफ खोखर का मैदान सियासत में आना नौजवान नस्ल के लिए खुश आइंद और हौसला अफजा इकदाम है। इस मौका पर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग कराची पादरी शहजाद आरिफ मेमन ने भी आसिफ खोखर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनॉरिटी विंग के मरकजी नायब सदर जॉन महबूब ने कहा है कि पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में तमाम जमातों का डट कर मुकाबला करेगी। 17 जुलाई को इमरान खान के बयानिया की जीत होगी और लुटेरों को और करप्ट नासर को शिकस्त फाश होगी। उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज को एक मशवरा दिया है कि अपनी और अपने खानदान की लूटी हुई दौलत वापस लाकर खजाने में जमा करवा दें तो शायद इस माशी बहरान से निकलने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान की यादें हिला कर रख दी हैं। जॉन महबूब ने कहा है कि मगरिब के गुलामों को अवाम की कुछ परवाह नहीं, सिर्फ आकाओं की गुलामी करना और झूठे भाषण देना आता है। उन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के सरकारी अदाद शुमार में आया है कि हमारे दौर में मुआशरत का पहिया तेजी से चल रहा था। अगर इमरान खान की छोड़ी हुई बेहतरीन मुआशरत को संभालने की सकत नहीं थी तो क्यों साजिश की। जिला कौंसिल हॉल कसूर में वजारत इंसानी हकूक हुकूमत पाकिस्तान और सदार सोसाइटी के तआवुन से खवातीन के हकूक और सनफी तशद्दुद से बचाव की आगाही मुहिम के मुतालिक सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसमें माहिर कानूनदानों ने खवातीन के हकूक और सनफी तशद्दुद के मुतालिक कवानीन से आगाह किया। वकास एडवोकेट चेयरमैन गुड थिंकर ऑर्गेनाइजेशन ने तफसील के साथ बताया कि हम अपने हकूक के लिए किन किन अदारों से कानूनी मदद ले सकते हैं। ओपन सवालात के सेशन में मजदूरों को दरपेश मसाइल मसलन माहाना तनख्वाह अजरत, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, सोशल सिक्योरिटी हस्पताल का क्याम, लेबर कॉलोनी के क्याम के मुतालिक तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। मासूर अफराद की माली अमदाद और व्हील चेयर के हसूल के लिए डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर अकबर रजा ने बताया कि मासूर अफराद के लिए पंजाब बैतुल माल के पास फंड मौजूद हैं। अशरफ माइकल डिस्ट्रिक्ट मेंबर ह्यूमन राइट्स कमेटी कसूर ने भट्टा मजदूरों को दरपेश मसाइल पर मबनी एक तफसीली रिपोर्ट बनाकर डिप्टी कमिश्नर सेक्टर लेबर पंजाब डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर सेक्टरी ह्यूमन राइट्स पंजाब को अरसाल की। पंजाब में 40 साल हुक्मरानी करने वाले सिख लीडर महाराजा रंजीत सिंह की 183वीं बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 500 के करीब सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए, जहां पर मथरोका वक्फ इमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी राणा शाहिद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि प्रधान सरदार अमीर सिंह, डिप्टी सेक्रेटरी इमरान गोंदल, बोर्ड तर्जमान आमिर हाशमी, सिक्योरिटी इंचार्ज अमजद अल्ताफ और दीगर अफसरान और सिख रहनमा उनके हमरा थे। राणा शाहिद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि चेयरमैन बोर्ड हबीबुल रहमान गिलानी के खसूसी अहकाम की रोशनी में भारत से आने वाले मेहमानों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। प्रधान सरदार अमीर सिंह का कहना था कि ट्रस्ट बोर्ड ने PSGPC के साथ मुकम्मल मशावरत के साथ इंतजाम मुकम्मल किए हैं, जिस पर हम मुतमईन हैं। डिप्टी सेक्रेटरी इमरान गोंदल ने बताया कि महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीब 29 जून गुरुद्वारा डेरा साहिब में होगी। बोर्ड तर्जमान आमिर हाशमी के मुताबिक सिख यात्री लाहौर से स्पेशल ट्रेनों के जरिए ननकाना साहिब पहुँच गए हैं। सुलेमान गिल चीफ ऑर्गेनाइजर और सेक्रेटरी इतलात और नशरियात मिनॉरिटी नेशनल अलायंस बलोचिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से बलोचिस्तान में डोमिसाइल के हसूल के लिए शर्त में तब्दीली लाई गई और डोमिसाइल के हसूल के लिए मकामी इलाके में प्रॉपर्टी के होने की शर्त को लाजमी करार दे दिया गया। इस फैसले से अकलियतों के मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है, जो सरासर एक नाइंसाफी है, और अब मकामी अकलियतों के साथ गैर मुल्कियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है कि मकामी लोग अपने मुल्क
पर अपने ही इलाके के रिहायशी होने के लिए दुहाइयां दे रहे हैं। मिनोरिटी नेशनल अलायंस पार्टी बलोचिस्तान इस अमल की पुरजोर मजम्मत करती है। इस शर्त की वजह से अकलीती अवाम को शदीद मुश्किल का सामना है और अकलीती अवाम फंड, स्कॉलरशिप और मुलाजमतों जैसे अहम मामला के हसूल से भी महरूम हो गए हैं। लिहाजा मिनोरिटी नेशनल अलायंस पार्टी और बलोचिस्तान की अकलीतें पुरजोर मुतालबा करती हैं कि डोमिसाइल से प्रॉपर्टी की शर्त को ख़त्म किया जाए। गरीब अकलीतें जो दो वक्त की रोटी खाने से कासिर हैं, वो जायदादें कहाँ से खरीद कर लाएं। लिहाजा हम बलोचिस्तान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस शर्त को ख़त्म करके अकलीतों के इस्तेहसाल को रोका जाए और जिस तरह पहले अकलीतों को अपनी मकामी इबादतगाहों से तस्दीक सर्टिफिकेट जारी होते थे, इस निज़ाम को दोबारा बहाल किया जाए। अगर हुकूमत बलोचिस्तान हमारे जायज़ मुतालबे को तस्लीम नहीं करती और इस पर कोई लाहे अमल नहीं बनाती तो मिनोरिटी नेशनल अलायंस पूरे बलोचिस्तान में DC ऑफिसेस के बाहर धरना देगी। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है और शरह 1.5% से तजावज कर गई है। कौमी अदारा बराए सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान केसेस की शरह 1.53% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 13,300 टेस्ट किए गए, जिनमें से 204 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से कोई हलाकत नहीं हुई, ताहम 66 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। नारंग मंडी के गांव बोलचक में वडेरों ने गरीब शख्स को उनकी जमीन पर से मवेशी गुजारने पर आम तशद्दुद का निशाना बना डाला। कुल्हाड़ियों और डंडों के वार से दोनों टांगे तोड़ दी और खतरनाक नतायज की धमकियां देते हुए फरार हो गए। जख्मी इशफाक को राहगीरों ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से तश्वीशनाक हालत में लाहौर में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वर्सा ने DPO शेखपुरा से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।